शिक्षक भर्तियों के लिए एक नए आयोग पर लगभग पिछले कई वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन धरातल पर ये आयोग अभी तक नहीं आ पाया है। इसकी वजह से टीजीटी, पीजीटी, जूनियर एडेट, यूपी टेट, सुपर टेट कई परीक्षाएं अभी वेटिंग लिस्ट में लगी हुई हैं और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है। गवर्नमेंट को क्या है, आदेश देती है, उस आदेश पे वर्षों काम चला करता है, चुनाव होते हैं, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन भर्तियों के बारे में बात करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर एक नई पहल की गई है, प्रयागराज से खबर प्रकाशित की गई है, ये वीडियो अपलोड हो रहा है 9 मई को, और इसमें ये कहा जा रहा है कि 12 सदस्यीय समिति नए आयोग का ड्राफ्ट बनाएगी। पहले वाला जो ड्राफ्ट था जो 2019 में पब्लिश किया गया था, उसमें संशोधन का निर्णय लिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, 5 दिन में मांगा संशोधित ड्राफ्ट, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा विभाग के अफसर शामिल। अब इसमें क्या कुछ बदलाव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 मई को गठित की गई थी कमेटी, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य, नए शिक्षा आयोग के अधिनियम में करेंगे संशोधन, जोड़ेंगे नए प्रावधान। तो जो ये नए प्रावधान जुड़ेंगे इसमें आपको निश्चित रूप से टेट और सुपर टेट में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैकेंसी यानी सुपर टेट में बदलाव जरूर होगा, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा ये मान करके चलिएगा। लेकिन अब ये बदलाव ऐसा मत समझिएगा कि आपके सिलेबस से बहुत सारी चीज़ें हटा दी जाएंगी और आप पढ़ना बंद कर दें। कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता, जैसे लैंग्वेज हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, इनको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में संशोधन किया जा सकता है कि अभी तक रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे थे, अब 10 किए जाएँ या हटा दिया जाए, या कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आ रहे थे, 10 कर दिए जाएँ। जीके जीएस में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का संशोधन किया जा सकता है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बंद मत करिए, ठीक है? जो भी डिसीजन होगा वो सबके लिए होगा, इसलिए अगर आप पढ़ाई बंद कर देंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव जो हैं आपके साथ में, जो बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपने इस बात को सोच करके तैयारी बंद कर दी कि अब कुछ नहीं होने वाला है, भर्ती नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, बदलाव हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदारी, इसका प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्रावधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों के लिए चयन प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2019 में संशोधन का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए नए आयोग का नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष 4 जून व 17 दिसंबर 2020, समझ रहे हैं, 3 साल पहले, लगभग 3 साल होने वाले हैं, ये बैठक हुई थी, और फिर 3 जनवरी 15 मार्च व 4 अप्रैल 2023, 3 साल बाद फिर बैठक हुई। इसके बीच में क्या हुआ कोई मतलब नहीं। इसके बाद निर्देश मिले, नए प्रावधान की बात कही गई और नए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा। लेकिन अब ये उम्मीद लग रही है 99% की, अब जो ड्राफ्ट बनेगा वो लगभग फाइनल होगा और इस पर 2-3 दिन में मुहर लग जाएगी, और देखिएगा आप, निकाय चुनाव जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा शायद 11 या 13 मई को, उसके बाद इस पर मुहर लग जाएगी और बहुत जल्द सारी जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि अभी जो गैप है इसमें बहुत सारा काम अभी सरकार करेगी निश्चित रूप से। नया ड्राफ्ट और वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक विवरण भी तैयार करने को कहा गया है कि पहले क्या था और अब क्या है, उसका भी विवरण जो है टीम के जो सदस्य होंगे वो करेंगे। 6 साल से कवायद फंसी हैं कई भर्तियां, 2017 में भाजपा सरकार बनी उसके बाद ही आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी अस्तित्व में नहीं आया है। जूनियर एडिट भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में, एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडेड माध्यमिक कॉलेजों से संबंधित प्राइमरी स्कूलों में भी नहीं हो रही नियुक्ति।
यहाँ पर जो सदस्य बनाए गए हैं 12 सदस्यों की कमेटी, इसमें जो नाम है आप देख सकते हैं, भगवती सिंह को सदस्य का सचिव बनाया गया है, सत्य प्रकाश उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा, नवल किशोर जो टीजीटी पीजीटी के यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हैं उनको बनाया गया है, बेसिक संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार जी को, पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जो अभी तक टेट परीक्षा करा रहे थे, प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन निदेशालय के अपर निदेशक नीरज कुमार मान सिंह, यानी ये सारे लोग जितने लोग थे टीजीटी पीजीटी के जो परीक्षाएं कराते थे, जो पीएनपी के सदस्य थे, उन सबको इन कमेटी में रखा गया है। देखते हैं जैसे ही कुछ पॉजिटिव खबर आएगी हम आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।